आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग उपस्थित हैं नोएडा के इंदौर स्टेडियम में और हमारे साथ हैं श्यामानंद भाई। ये चेहरा आज कोई मैंने परिचय का मोहताज नहीं है। जिस तरह से देश की मिट्टी में विदेशी आदमी का जिस तरह से विदेशी आदमी को धोया है वो तो आप मतलब जग जाहिर है। कहते हैं ना कि जिसके मतलब चरित्र ही खुद बखान करता हो उस व्यक्ति शब्दों का मोहताज नहीं होता। तो आज सासाराम के शेर, बिहार के मिट्टी के लाल, बिहार के इकलौता शेर, ऐसे व्यक्ति जो अपनी मेहनत से, लोग कहते हैं कि अकेले चलेंगे तो क्या होगा, अकेले चलेंगे तो क्या होगा, तो एकला चलो रे जो मंत्र है उसको सार्थक बनाने का काम हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे हम सफर, हमारे दोस्त श्यामानंद ने किया है। तो श्यामानंद जी, आज आपने जिस तरह से ये फाइट जीता है, इस फाइट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्लोज कीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार और स्नेह देने के लिए। और ये फाइट थोड़ा सा पर्सनल हो गया था क्योंकि ये जो फाइटर था इजिप्ट का, ऐसा बोल रहा था कि जो भारत रीजन के प्लेयर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और उनके खिलाफ खेल नहीं सकते हैं। तो फाइट से पहले आप हॉटस्टार पे देख सकते हैं, ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो बहुत ही पर्सनल हो गया था। और मैं ईश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे चुना इस काम को पूरा करने के लिए, इन कंधों को मजबूत बनाया और उस पर भार डाला कि भारत का तिरंगा लहराना है। तो मैंने उसे दिखला दिया कि भारत की भूमि में कितनी ताकत है। अरे बात तो भारत की भूमि की तब होगी, लेकिन शायद उस फाइटर को पता नहीं था कि प्रेम में पहाड़ का पत्थर तोड़ा जा सकता है तो तुम्हारी हड्डियां कौन सी चीज की बनेगी। तो ऐसे श्यामानंद ने उस विदेशी, जिस विदेशी ने कहा कि भारत की लाल में वो ताकत नहीं है जो विदेशी फाइटर को हरा दे, तो तुम्हारी हड्डियां जवाब दे रही होगी। यकीन मानो हम पत्थर के साथ साथ हड्डियां भी तोड़ना जानते हैं। एक पंच में तुम्हारा ये हाल हुआ तो मुझे लगता है अगले साल से तुम भारत आना बंद कर दोगे। ऐसे श्यामानंद के लिए हम चाहेंगे, देखिए आज जब श्यामानंद सफल हो रहे हैं तो अनेकों लोग यहाँ जुटे हुए हैं, लेकिन श्यामानंद किस तरीके से, कौन सा संघर्ष, ये फिल्मी नहीं है। मेरी मुलाकात लगभग इनसे एक साल पहले हुई थी, मैंने इनका संघर्ष देखा है, उससे पहले भी ये चैंपियन रहे हैं। तो इस भीड़ से मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उगते सूरज को सलाम मत करो, जो उग रहा है, जो आगे चल रहा है, उसका पैर मत खींचो बल्कि उसका हाथ खींचो। अगर आप लोग हाथ खींचेंगे तो बिहार की माटी से, भारत की माटी से, इस भारत माता की भूमि से अनेकों वीर पैदा होंगे और उसी तरह से धो के भगाएंगे जिस तरह से अभी विदेशी फाइटर को भगाने का काम हमारे मित्र श्यामानंद ने किया है। तो एक बार इन भाइयों के लिए आप कुछ कह दें। बड़ी दूर से ये भाई मेरा है, बोला कि टिकट में ट्रेन नहीं बने भैया, तो हम फ्लाइट से जाएंगे, अभी चल के बेचारा आया। ऐसे राहुल जी, बहुत सारे लोग, सब लोग आए बिहार से आए, बहुत ही खुशी हुआ। सब लोग क्रिकेट तो देखता है बट फाइट के लिए बहुत सारे लोग आए। मुझे पता चला कि मैट्रिक्स फाइट है, इसमें 200 लोगों का कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ जो बिहार से आए देखने फाइट है। मैट्रिक्स मैनेजमेंट बोलिए, मतलब उसमें मेजोरिटी आपका है, ये चीज मैंने देखा। तो मुझे देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए ये सब आए, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा इनका आभारी हूँ। और ऐसा भाई सारे भाई है ना, बताओ के पक्ष चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ पे आने के लिए, और ऐसे ही सबको सपोर्ट करते रहिए। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अभी बिहार से निकल रहे हैं एमएमए में, जो कि एमएचएस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, गोपालगंज के कुछ फाइटर्स हैं और जल्द ही भारत को रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया में। प्रशांत भाई कहाँ है? प्रशांत भाई, तो आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, भारत का तिरंगा विदेशी पोर्टल पे लहराते रहेंगे। चलिए आप सभी, भारत माता भारत माता के जयकारे लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय चलो भाइयों, सामग्रियों।